रिपब्लिक भारत, यानी अर्नब गोस्वामी जी, क्योंकि वो जिस तरह से सच्चाई के लिए लड़ रहे थे और उस वक्त ये खुलासे कर रहे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार को ऐसा लगता था कि किसी भी तरह से अगर हम अर्नब गोस्वामी को फंसा दें, चाहे टीआरपी स्कैम में या किसी भी तरह से उस पर प्रेशर बनाए, तो शायद वो बैठ जाएगा। अगर आज भी हम याद कर रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, किस तरह से एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के अंडर एक टीम बनाई गई, तैनात की गई और उसके घर की रेकी की गई, और अचानक से आप घर पर एंट्री करते हैं, वो भी इतने लश्कर के साथ, पुलिस लश्कर के साथ, जो कि मुझे ऐसा लगता है हमने अपने इतिहास में किसी आतंकवाद के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी है। एक मंत्री अगर इस तरह से काम कर रहा है तो बाकी जो मंत्रालय वो किस तरह से काम कर रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी बड़े शर्मनाक और दुर्भाग्य की बात ये कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने कोई इस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था, नहीं ईडी है वो अपना काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धीरे धीरे जो सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, ये सब जब अभी सार्वजनिक होंगे और इसके ऊपर एक्शन होगा, तो उन पर मुझे लगता है एक्शन होकर जल्दी अरेस्ट होकर और उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी देखने को मिलेगी। संजय राज जो है एक पपेट है, ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हो कि मुझे बोलते में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। एक तरह और आप तो ये नौबत आ गई कि हम आपको ना देखना चाहते और हम चाहते में भी ना आप बयान दो, क्योंकि आप खत्म हो चुके हमारी नजरों में। जो आपका गढ़ है महाराष्ट्र, लेकिन आप देखें वहाँ पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, अभी उनसे महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह संभल नहीं रही। को पहले आप अपना घर संभालें, अपना घर देखें और पहले कोशिश ये करें कि आप महाराष्ट्र में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाएं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा डिंडोरिया, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। अनिल देशमुख के जो काले कारनामे थे वो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर पर्दाफाश होता जा रहा है अनिल देशमुख का। ये जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अभी ईडी की जाँच चल रही थी, अब जाँच में आया है कि अनिल देशमुख ने ही जो टीआरपी स्कैम बनाया था अर्नब गोस्वामी पे, वो इन्होंने एक पॉलिटिकली एजेंडा सेट करके बनाया था और अर्नब गोस्वामी को और आर भारत चैनल को फंसाने के लिए ये सब किया गया था। सचिन वाजे ने ये अपने बयान में क्लियर कर दिया है और इसको माना भी है। अमन खान जी इस वक्त मेरे साथ है, अमन जी आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को फंसाया था, अब सचिन वाजे खुद अपने मुँह से ये बात कबूल रहे हैं। देखिए सचिन वाजे जी ने जो कन्फेस किया उससे हमें साफ पता चलता है, हालांकि पहले से हमको जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि अभी आपने कहा परतें खुल रही हैं। तो इसमें अनिल देशमुख जी का क्या था, जब ये गृह मंत्री थे तो ये घोटाले कर रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग का इन पे केसेस जो सामने आए, तो उसके पीछे जो अगर हम देखें कि वजह क्या थी, वजह ये थी कि रिपब्लिक भारत, यानी अर्नब गोस्वामी जी, क्योंकि वो जिस तरह से सच्चाई के लिए लड़ रहे थे और उस वक्त ये खुलासे कर रहे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कि किस तरह से वहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, दो नंबर के काम हो रहे हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये उसके दुश्मन बन गए थे। सरकार को ऐसा लगता था कि किसी भी तरह से अगर हम अर्नब गोस्वामी को दबा दें और उसको अरेस्ट करा दें या उसको डरा के किसी तरह चुपचाप बिठा दें तो शायद हमारी सरकार स्मूथली चलती रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए कि क्या था, तो अनिल देशमुख क्योंकि गृह मंत्री थे तो उन्हें लगा कि किसी तरह अगर हम अपना अपने अर्नब गोस्वामी को फंसा दें, चाहे टीआरपी स्कैम में या किसी भी तरह से उस पर प्रेशर बनाए, तो शायद वो बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब तक अर्नब गोस्वामी ये सब बातें बोल रहे थे तो हम सबको लग रहा था कि वो पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी और पार्टी के समर्थक हैं इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन जब हमने देखा कि जो अपना परमवीर सिंह जी, जब उन्होंने है ना जब कमिश्नर सीट से हटने के बाद जैसे उन्होंने खुलासे किए कि वो किस तरह से 100-100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जाती थी, वो भी हर महीने, और सिर्फ रिश्वत नहीं मांगी जाती थी, आप देखें एक राज्य का गृह मंत्री ये आइडिया भी दे रहा है, सलाह भी दे रहा है कि किस तरह से पैसा वसूली कैसे होगी, यानी वो ये बता रहे कि इतने जो बार हैं हमारे मुंबई में, यहाँ से इतने इतने लाख रुपये आप ले लीजिए, वहाँ से इतने लाख रुपये ले लीजिए, तो आपके 100 करोड़ रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर वो भी एक मंत्री अगर इस तरह से काम कर रहा है तो बाकी जो मंत्रालय वो किस तरह से काम कर रहा होगा। तो परमवीर सिंह ने देखा कि अपने चीफ मिनिस्टर को उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिख के सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसके बाद भी बड़े शर्मनाक और दुर्भाग्य की बात ये कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने कोई इस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था कि जिससे कि हमें ऐसा लगे कि सरकार जो है इन चीज़ों के खिलाफ है और उसकी गैर जानकारी के ये सब हो रहा था। तो हमने देखा कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई ऐसे कोई बयानबाजी नहीं हुई, वो भी प्रेशर में आके जब सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई तब जाके उनका इस्तीफा लिया गया, वो भी इस्तीफा लिया गया जबकि उनको सरकार से निकाल के फेंक देना चाहिए था। चलिए लेकिन अब हमने देखा, देखिए देर से आए दुरुस्त आए, हमने थोड़ा वेट करा, एक साल डेढ़ साल गया, लेकिन अब आके पहले हमने देखा कि सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई थी और हम देख रहे हैं ईडी ने छापे मारे हैं, और सिर्फ मुंबई के उनके घर पर नहीं, बाकायदा नागपुर में जो उनके घर हैं वहाँ पर भी छापेमारी की गई है। हालांकि अनिल देशमुख वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी ईडी है वो अपना काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धीरे धीरे जो सबूत इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो सीबीआई की इंक्वायरी के माध्यम से हुए या अभी ईडी के माध्यम से हुए, ये सब जब अभी सार्वजनिक होंगे और इसके ऊपर एक्शन होगा, तो उन पर मुझे लगता है एक्शन होकर जल्दी अरेस्ट होकर और उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी देखने को मिलेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता अमन जी, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और आर भारत लगातार सवाल उठा रहा था, तो ये एक साजिश के तहत, क्योंकि सचिन वाजे ने बोला है कि पॉलिटिकली उनको उठाया गया था और उन पर प्रेशर बनाया गया था, चाहे वो मुंबई पुलिस हो या फिर कोई और, जब अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचे थे तो इतने सारे पुलिसकर्मी गए थे जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ लिया हो, तो पॉलिटिकली किसी जर्नलिस्ट पर इस तरह अटैक करना और जब खुद के काले कारनामे सामने आते हैं तो पीछे हट जाते हैं।
पहले तो वो जो सीन था वो भी हमें देखते बन रहे, अगर आज भी हम याद कर रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किस तरह से एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के अंडर एक टीम बनाई गई, तैनात की गई और उसके घर की रेकी की गई, 24 घंटे पहले दिन रात ये नजर रखी गई कि अर्णव गोस्वामी घर पे क्या एक्टिविटीज हो रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और अचानक से आप घर पे एंट्री करते हैं वो भी इतने लश्कर के साथ, पुलिस लश्कर के साथ, जो कि मुझे ऐसा लगता है हमने अपने इतिहास में किसी आतंकवाद के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी है, तो ऐसी कार्रवाई की जाती है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे लोकतंत्र है उसकी हत्या अगर हमें देखनी हो, दिन दहाड़े देखनी हो और कानून की निगरानी में रह के गैर कानूनी काम कैसे किए जाते हैं देखने हो, तो फिलहाल जो है महाराष्ट्र जो है नंबर वन उस पर रैंक पे चल रहा है, वहाँ पे हमने देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, हम कहते हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि वो भले ही आपने एक दो दिन उनको परेशान करा अर्णव गोस्वामी को, लेकिन जो उनका जो स्टैंडर्ड है और जो रिस्पेक्ट है वो समाज में बढ़ी है। इसलिए बढ़ी है क्योंकि देखिए, जब आप किसी को परेशान करते हैं और उसके बाद भी वो नहीं मानता है, अगर एक चीज़ होती है या तो आप उसे प्रेशर दे के, डरा के या पैसे का लालच दे के, किसी और चीज़ का लालच दे के उसे बैठा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्णव गोस्वामी जिस दिन बाहर आए उन्होंने बोला कि मैं नहीं बैठूंगा चुप और मैं सत्य का साथ देता रहूंगा। और कई ऐसे केसेज हमने देखने को मिले हैं, चाहे वो पालघर वाला केस हो या और कोई केस हो, जिस पे कि पूरी जो मीडिया हमारे कितने न्यूज़ चैनल हमारे देश में कोई नहीं बोलता था, लेकिन सिर्फ अर्णव गोस्वामी ऐसे थे जो उस पर आवाज़ उठाते थे। और एक चीज़ और हमें देखने को मिली, देखिए अर्णव गोस्वामी ने भले कुछ भी सत्य को उजागर किया हो या कितनी परेशानियां झेली हो, लेकिन उन्होंने कभी कानून का जो है उसका पालन हमेशा किया है। जब भी उन्हें नोटिस भेजा गया वो वहाँ पे जाके हाजिर हुए, जितने भी घंटे उन्हें बिठाया गया वो बैठे। तो इससे पता चलता है, देखिए ऐसा नहीं कि वो कोई पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं या अपने जो अगर न्यूज़ चैनल चला रहे हैं तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा बोला कि मैं साथ दूंगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप अननेसेसरी हैरेस कर रहे हैं और जी अपना जो संविधान की धज्जियाँ उड़ा देंगे, तो ये एक वक्ती तौर तक आप चला पाते हो कि आप कितने पावर में, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते उसका। कई सारे ऐसे बैग मिले जिसमें करोड़ों की संख्या में पैसा बरामद हुआ है, और ये पैसा मतलब आगे जैसे अर्णव गोस्वामी का टीआरपी स्कैम को हो गया तो ये पुलिस को रिश्वत दी गई थी, और भी कई जगह रिश्वत दी गई थी, तो इतना पैसा इन लोगों ने लगा दिया था सिर्फ एक पत्रकार को पकड़ने के लिए, और मुद्दे इन्हें महाराष्ट्र में नहीं दिखे या फिर अब उद्धव ठाकरे को नहीं दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, अर्णव गोस्वामी सिर्फ एक पत्रकार नहीं है। आप एक चीज़ सोचिए, जिस स्टेट में, मुंबई एक सिटी है, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, और मैं हमेशा बोलता हूँ मुंबई के सिर्फ एक जो बीएमसी जो है, बीएमसी का जो बजट है वो दिल्ली के पूरे स्टेट के बजट से भी ज़्यादा है। तो ऐसे स्टेट के सरकार का जो गृहमंत्री जो सिर्फ एक सिटी से, यानी सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ रुपये की सिर्फ एक डिपार्टमेंट से, यानी जो रेस्टोरेंट है बार है वहाँ से वसूली करता हो, तो ये हज़ारों करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा था। अगर उसी पर कोई रोक लगाने की काम कर रहा है, उसी पर कोई अगर करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें अरेस्ट कराने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंसान मामूली नहीं हो सकता। उससे पूरी पूरी सरकार हिल गई और डर गई। तो उसके लिए अगर मैं कह रहा हूँ उन्हें कितना भी पैसा खर्च करना पड़ जाए, 100 करोड़ रुपए वो एक एक महीने में कमा रहा है, अगर उन्हें मैं कह रहा हूँ 500 करोड़ भी खर्च करने पड़ जाए तो कम थे। लेकिन हुआ क्या कि उनके पैसे भी गए और उनकी इज्जत भी गई, उनकी पार्टी की वो भी गई, छवि जो थी जो वो बताते थे अच्छी छवि, और ऊपर से जो गृहमंत्री अनिल देशमुख है उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद भी जान नहीं बच पाई। इसका मतलब मैं यही सलाह दूंगा आने वाले लोगों को भी, देखिए आप अच्छे के लिए काम करें, जनता के हित के लिए काम करें, क्योंकि आप वक्ती तौर के लिए लोगों का हैरेसमेंट कर सकते हैं और अपनी जेबें भर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपकी इज्जत भी जाएगी, नाम भी जाएगी और शोहरत भी जाएगी। जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम आ रहा है, अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कोई बयान नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले जितने भी केसेस होते थे तो आगे आके कभी हरामखोर बोलते थे किसी एक्ट्रेस को, लेकिन अभी अनिल देशमुख पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे? ठीक है, संजय राउत को तो मैं वैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ, संजय राउत जो है एक पपेट हैं, वो सिर्फ एक उनका सिर्फ एक ही काम है कि आपको जब आपको बोला जाए छोड़ा जाए तभी आप जाइए और बयान दीजिए और वापस आ जाइए। मैं तो कह रहा हूँ आप इतनी सच्चे हो, देखिए अनिल देशमुख एनसीपी के नेता हैं, ठीक है आप इतनी सच्चे हो तो आपने उनके हाथ अलायंस करके सरकार बना रखी है, लेकिन जब आपको पता चला कि वो उनका एक नेता, अगर आप दूध के दूल्हे हो और इस तरह का घोटाले करता था, तो आप सीधा शरद पवार को बोलो भाई अब हम आपके साथ सरकार नहीं चला सकते, या तो आप इसको पार्टी से निकालो अनिल देशमुख को, और बाकी जो आपकी जो मंत्री हमने बना रखे हैं क्योंकि हमने गठबंधन की सरकार चला रखी है, उन सबको भी हम सख्ती से उनकी जांच करेंगे कहीं वो गलत उसमें एक्टिविटीज में तो लिप्त नहीं है, क्योंकि हमने जो अलायंस करा था, हमने जो गठबंधन करा था वो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए करा था, कि उनको एक स्थिर सरकार दी जाए इसलिए करा था, ना कि घोटाले की जाए इसलिए करा था। लेकिन जब आप दूसरी चिल्ले, जैसे अभी आपने बोला ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हो कि मुझे बोलते में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक लेडी के लिए महिला के लिए आप हरामखोर बोल देते हो, फिर उसके घर पर बुलडोजर चलवा देते हो, और जितना हो सकता है आप पावर का जो है आपके जो गद्दी है उसका दुरुपयोग करते हो, उसके बाद आज आपके मुंह में दही जम जाती है। हम आपको जब मानते हैं, जब आज भी आप निकल के आते हैं आप बोलते देखिए
हमारे लिए सच सच है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता गलत निकल आया है तो भले ही वो हमारी पार्टी के साथ अलायंस करा हुआ है, भले ही वो हमने मंत्री बना रखा था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस पर जाँच की जाए और अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए, तब हम आपको मानते कि हाँ भाई आप नेता हैं। और हम जैसे कि जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो किसी न किसी लीडर से इंस्पायर होती है, उसको अपना आइडियल मानती है, तो कहीं ना कहीं हम भी कहते नहीं संजय राउत जी भी कैसे भी हैं, भले हमारी पार्टी से उनकी विचारधारा मिलती नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आदमी अच्छा है। लेकिन आपने ऐसा मौका नहीं दिया, उल्टा आप हमारी नज़रों से दिन ब दिन गिरते जा रहे हो। पिछले एक डेढ़ साल में जैसे हमने देखा हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आप नीचे गिरते गए, और आप तो ये नौबत आ गई कि हम आपको ना देखना चाहते और हम चाहते भी नहीं आप बयान दो, क्योंकि आप खत्म हो चुके हमारी नजरों में। अच्छा, जिस तरीके से अब यूपी चुनाव आ रहा है तो महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों तैयारी में है यूपी चुनाव जीतने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े घोटाले ये सामने आ रहे हैं ईडी के छापे में, आपको लगता है कि यूपी में कदम भी रख पाएंगे? पहले देखिए, उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है कि वो यूपी में हर सीट पे जितनी भी सीटें हैं सारी सीटों पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। पहले तो आप एक चीज़ आपको बता दिए, जो आपका गढ़ है महाराष्ट्र से ही आपका जन्म हुआ और वहीं के लिए आपकी पार्टी एक जो है स्थापित की गई थी, है ना, हमारे आदरणीय जो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई थी मराठियों के लिए और महाराष्ट्र के लिए। चलिए हम देखें हिंदुत्व उनका जो भी एजेंडा है, लेकिन आप देखें हम वहाँ पर ही खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। आप पूरे महाराष्ट्र को भी छोड़ दो, मुंबई का आपने क्या हाल कर रखा है, वसूली अगर शिवसेना किसी भी उससे नाम से जानी जाती तो अपने कोई विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जनता हितों के लिए नहीं, वो गुंडागर्दी के नाम पर जानी जाती है। और हफ्ता वसूली जो है, देखिए हमने देखा था पुरानी अगर हम फिल्में देखें तो उसमें जो गुंडे मवाली लोग होते थे वो हफ्ता वसूली करते थे मार्केटों से, दुकानों से, लेकिन अब हमें लगता है कि वो शायद सिस्टम खत्म हो गया, वो सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन वो सिस्टम उनके लिए खत्म हो गया जो बदमाश और मवाली लोग थे, लेकिन शिवसेना के लिए वो सिस्टम अब भी खत्म नहीं हुआ। आज आप मुंबई में जाओ, मैं तो जाता हूँ, मेरा वहाँ पे कार्यालय भी है, मैं वहाँ पे काम भी करता हूँ, तो मेरी वो कर्मभूमि भी है, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि कई बार ऐसा होता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ किसी होटल में कुछ खाना खा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो पैसा लेना शुरू कर देते हैं जबरन भी, अगर आप नहीं दोगे तो मारपीट करेंगे। अचानक से हम देखते हैं भाई ये क्या हो रहा है, पता चलता है वो शिवसेना वाले हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। तो इसका मतलब वही मैंने आपको बोला, कानून की निगरानी में गैरकानूनी काम कैसे करने चाहिए और कैसे करे जाते हैं, अगर सीखना हो तो शिवसेना सीखनी चाहिए। और उनकी हिम्मत को शाबाश है, अभी उनसे महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह संभल नहीं रही, वो भी वहाँ भी गठबंधन भी तीन तीन पार्टियों को मिलकर करना पड़ा, ये तरह की आपकी हालत है। वहाँ पे भी हमने देखा था जो नंबर वन पार्टी थी वो बीजेपी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को आई थी, उसके बाद भी चलो आपने पार्टी बना ली, सरकार बना ली, आपको मुबारक हो, उसके बाद आपकी हिम्मत को शाबाश है कि यूपी में जहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर आप टक्कर देने जा रहे हो उनको। पहले आप अपना घर संभालें, अपना घर देखें, और पहले कोशिश ये करें कि आप महाराष्ट्र में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाएं और हमें ये जनता को भी ये आश्वासन दे कि हाँ देखिए आप अपने घर में पूरी तरह से विकास कर चुके हो और महाराष्ट्र को आपने बहुत अच्छा राज्य बना दिया, क्राइम फ्री स्टेट बना दिया, तब जाके हम आपको थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ अमन खान जी, जिस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया, हमें बताया कि अनिल देशमुख जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है किस तरीके से अब वो ईडी के रडार पर है, और जैसे जैसे पत्ते खुलते जा रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना हो, और भी देखिए सचिन वाजे का नाम उन्होंने सीधा सीधा बयान दे दिया है, फंसाने का यहाँ पर काम हो गया है अनिल देशमुख को, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।